हेलो गाइस, दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और फिर एक बार एक एक्साइटमेंट भरे ब्लॉग के साथ मैं आपके सामने हूँ। और ओपनिंग डे श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा का पूरा ब्लॉग देखिएगा, दर्शन कर कर के जाइएगा। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप जब पूरा ब्लॉग देखोगे बिना स्क्रॉल किए आगे, तो आप मुझे बिल्कुल आशीर्वाद दोगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ऋषिकेश में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज 19 तारीख को जत्था निकलने वाला है। 12 बजे हैं अभी और 12:30 के आसपास जत्था निकलेगा और श्रीनगर जाएगा आज की तारीख में। और फिर 20 तारीख को श्रीनगर से निकलेगा जत्था और फिर गोविंद घाट जाएगा। और 21 तारीख को गोविंद घाट से वो गोविंद धाम की ओर कूच करेगा और फिर 22 तारीख को जत्था निकलेगा और सीधे हेमकुंड साहब पहुंच जाएगा। चलिए हम गुरुद्वारा के दर्शन करके आते हैं और माथा भी टेक कर आते हैं। आपको क्या 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 चीज़ों की ज़रूरत होती है रजिस्ट्रेशन के लिए? यहाँ पर भी अपने सब्सक्राइबर्स हैं और एंड ही इज़ माय द लवली सब्सक्राइबर द टाइनी वन। हाय, अभी हम लोग देवप्रयाग के यहाँ से निकल रहे हैं। केदारनाथ धाम यहाँ से 157 किलोमीटर है और बद्रीनाथ धाम 225 किलोमीटर का रास्ता है। 19th ऑफ मई को लिया है श्रीनगर में एक रूम। बेसिकली हम लोग गुरुद्वारा में रहना चाहते थे, वहाँ पे 1500 रुपये में एसी रूम है। नॉन एसी आपको अराउंड 1800 में मिल जाता है और फ्री में भी मिल जाता है, अगर मतलब सिर्फ बेड स्पेस और वैसे। लेकिन वहाँ पे पार्किंग नहीं था, हम लोगों ने कम से कम 2 घंटे वहाँ पे निकाले, इसलिए हम लोग को आकर के होटल में रुकना पड़ा। तो यहाँ पर अलग मन्ना में मैं रुकी हुई हूँ और यहाँ पे मैंने पे किए हैं 1800 रुपीज़। वैसे 2500 मांग रहे थे, रूम में वैसा कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे रेट्स बहुत हाइप्ड है। सुबह की बजे है 6 और फिर मैं हूँ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब श्रीनगर में और यहाँ से हम जा रहे हैं गोविंद घाट। तो जत्था यहाँ से निकलने वाला है करीब 7:30-8 बजे। तो कुल ऋषिकेश से लेकर के गोविंद घाट तक का अप्रॉक्सीमेट 250 to 260 किलोमीटर हो जाता है। वहाँ है हमारी टाइगून दिव्या, वेट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरे रास्ते में कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन। आप ये बोर्ड देख रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर स्पॉट है यहाँ पर जहाँ पर हम लोग हैं, यहाँ से बद्रीनाथ जाने के लिए आपका रास्ता इधर से निकलता है, केदारनाथ धाम जाने के लिए यहाँ से, और उसी के बीच से आप चोपता भी जा सकते हैं जहाँ से आप तुंगनाथ जाएंगे। तो अभी हम हैं रुद्रप्रयाग में और रुद्रप्रयाग से ही 2 फाटे फूटते हैं। थोड़ी आगे की तरफ आए हैं हम लोग और पहाड़ों में कुछ रास्ते कंस्ट्रक्शन में हैं, कुछ अभी बहुत स्मूथ है, तो रास्तों में आपको दोनों तरह के फ्लेवर्स मिलेंगे, लेकिन पहाड़ों का नज़ारा देखते हुए आने का आनंद कुछ अलग होता है। तो अभी हम लोग हैं
नगरासू में, तो ये रुद्रप्रयाग में ही पड़ता है और नगरासू में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे और हम लोग रेस्टोरेंट में वेल हमारे एक सब्सक्राइबर यहाँ पर मिले, उनकी फैमिली थोड़ी सी डाउट में थी कि वेदर आई एम द सेफ पर्सन और नॉट, वहाँ पर फैमिली खड़ी हुई है और यहाँ कहाँ से आप लोग? कलकत्ता से। अच्छा, व्हाट्स योर नेम? अनुभव। वाओ, यहाँ पर इडली मिल जाए ये तो मज़ेदार बात है। नगरासू में हमने नाश्ता किया, यहाँ पे भी एक गुरुद्वारा है और उसका नाम है गुरुद्वारा लंगर दमदामा साहिब। सत श्री अकाल जी, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ गुरुद्वारा में आप लोग एक तो लंगर में लोग खा सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर रहने की सुविधा में किस तरीके की सुविधाएं आप देते हैं? 24 साल से सेवा कर रहे हैं। अच्छा, 24 घंटे लंगर चलता है। अच्छा, 5.5 महीने रहते हैं हम, बाकी समय पंजाब में रहते हैं, साथ में रहने की व्यवस्था है। अच्छा, हमारे पास 55 कमरे हैं। अच्छा, और हॉल है, एक पोर्शन हमने GHP बना दिया जी नीचे वाला। अच्छा, इसको एयर कंडीशन कर दिया। अच्छा, और सभी अटैच बाथरूम है ऊपर तक, विदाउट AC 500 और विद AC 1100। जी बोले बिना चाय पिए तो यहाँ से जाना नहीं है, तो कैसे जा सकती थी? अच्छा, अच्छा ठीक, आप लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन? नहीं कराया, तो यहीं पे करा लेंगे। अच्छा, ये दो रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, बस इस तरफ से बद्रीनाथ और यहाँ से हम जा रहे हैं हेमकुंड साहिब के और गोविंद घाट तक, अभी तो हम पहुँचेंगे और फिर वहाँ से चढ़ाई शुरू। हार्डली 900 मीटर। वेल दोस्तों, हम लोग अभी पहुँच चुके हैं गोविंद घाट। वेल हमारी टाइगून यहाँ पर जो पार्किंग है वहाँ पर है और 500 रुपीज़ लेते हैं वापसी, मतलब चाहे आप 2 दिन में आए, 3 दिन में आए, 4 दिन में आए, तो बिना। हाँ, जो भी। ओके, तो हम लोग यहाँ पर जो बेस कैंप है गोविंद घाट पर, यहाँ पर ऑफिस है, कमरे कितने के क्या है पूछ लेते हैं, आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं। वेल दोस्तों, यहाँ पर आप गुरुद्वारा में आते हैं तो आपको 3 different varieties ऑफ फैसिलिटीज़ आपको रूम में मिलती हैं। एक है थोड़ा लग्जरी रूम होता है, उसके 2000 रुपीज़ अटैच टॉयलेट बाथ है। नादर वन इज़ 1000 रुपीज़, उसमें भी अटैच टॉयलेट और बाथ है, बट देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ मतलब फैसिलिटी। लाइक 2000 रुपीज़ में आपको हॉट वाटर की सुविधा मिल सकती है और 1000 रुपीज़ में आपको हॉट वाटर की सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन आपको बेड ज़मीन पर लगे हुए रहेंगे, कंबल, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर कोई फ्री में रहना चाहता है तो आप शेयरिंग में रह सकते हैं और एक रूम में करीबन 8 से 10 लोग रह सकते हैं। राइट, जो फ्री में है उसमें भी आपको बढ़िया से सारी चद्दर, कंबल और गद्दे लगे हुए हैं, लेकिन टॉयलेट उसमें बाहर है। दोस्तों, आज पहला दिन है, लेकिन ओके, आई विल जस्ट टेल यू कि जो 1000 रुपीज़ का भी रूम है उसमें नीचे बेड बिछे हुए हैं, उसमें भी गर्म पानी आएगा, जिसमें विदाउट टॉयलेट है वहाँ पर जो बाहर भी टॉयलेट और बाथ होंगे वहाँ पे भी गर्म पानी आएगा। तो मशीन्स अभी जस्ट लग रही हैं, लेकिन आज वो बेसिकली वो प्रोसेस चल रहा है, तो हम लोग अभी जिसमें गर्म पानी आ रहा है उसमें रहने वाले हैं। जो रूम है वो यहाँ से गुरु गोविंद सिंह जी हेमकुंड निवास में है और फर्स्ट ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर, ये 3 हैं। तो मैं रूम बताती हूँ मैं, और जो दूसरे रूम के बारे में मैंने बताया था वो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर भी है, ऊपर देख रहे हैं आप, वहाँ पर भी है। थर्ड फ्लोर पे अपना रूम 27 और रूम कुछ ऐसा है। आइडियली बहुत बड़ा रूम है और बाथरूम भी है, एकदम नीट है, क्लीन है, गर्म पानी यहाँ पर आता है। देखिए किस तरीके से बन जाते हैं और रोटियाँ फुल के दार बन के तैयार और उस पर घी भी लगाया जा रहा है। थोड़े ऊपर की तरफ हम लोग आए हैं और यहाँ पर आप जो है रह भी सकते हैं, आप खा भी सकते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, अगर लंगर के अलावा कुछ और खाना है तो भी खा सकते हैं। वाड़ी लाल का आइसक्रीम भी है, किराने शॉप भी है। ऐसे आप बताएं, मतलब रूम्स आप लोग कितने में देते हैं? ठीक है, ठीक है, सब सुविधा देंगे। 1000 रुपये बेड के हिसाब से चलता है। 1000 रुपये बेड के हिसाब से, तो आपके रूम डबल रूम वाले कोई नहीं है?
डबल बेड का है। हाँ, डबल बेड का कितना होगा? 2000 रुपए का बढ़िया रूम मिलेगा, गीजर वाला। अच्छा, और सिंपल रूम आपको वैसे ही चाहिए होगा वो 1000 रुपए में मिल जाएगा। अच्छा, जहाँ पर इतने खूबसूरत पहाड़ आपके सामने हैं। तो जत्था रवाना हो चुका है गोविंद धाम की ओर, और आज हम करीबन 9 से 10 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे। यहाँ से शेयरिंग होती है, जहाँ से शेयरिंग मिलती है वहाँ पे पंजीकरण भी होता है। तो आप अगर पंजीकरण करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। इनकेस नहीं किया है हेमकुंड साहब के लिए, तो हम लोगों ने शेयरिंग ले लिया है। और यहाँ से शेयरिंग कितना लेते हैं भाई जी? 50 रुपये। 50 रुपये, वही जैसे केदारनाथ का 50 रुपये वैसे उसका भी है। ये करीबन 4 किलोमीटर का रास्ता है और हम लोग पूर्णा गाँव पर जाकर बेस करेंगे, मतलब रुक जाएगी ये शेयरिंग और फिर वहाँ से चढ़ाई शुरू करेंगे। तो करीबन 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर के आसपास का रास्ता आप फिर तय करो। ओके, तो 4 किलोमीटर का शेयरिंग रास्ता हम लोग तय कर करके पहुंच गए हैं पुलना गांव, और इस पुलना गांव से अब ट्रैक शुरू होगा। यहां पे भी कुछ छोटी मोटे ढाबे हैं, यहां पे आप नाश्ता कर सकते हैं और फिर निकल सकते हैं। चूँकि पहला दिन है और पहले दिन पर बहुत ज़्यादा घोड़े नहीं हैं, सारे घोड़े केदारधाम चले गए, और यहाँ पर कुछ गिने चुने हैं और पिट्टू भी गिने चुने हैं। तो हम लोगों ने पिट्टू का घघरिया तक, मतलब गोविंद धाम तक हमने पे किया है 1100 रुपये। वैसे मांगते हैं कोई 2000, 1500, 1600, आखिर में 1100 रुपये माने, क्योंकि हमें अगेन घघरिया से हेमकुंड साहिब तक लेना होगा। और जो पोनीज हैं, घोड़े खच्चर हैं, उनके 1900 रुपये लेते हैं। तो वेल, आपके बार्गेनिंग स्किल पर डिपेंड करता है कि कितना है। आपका नाम है चंद्रा जी, कार्ड नहीं बना था, कार्ड बना रहे थे। हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया है, उठे तो 5:30 बजे से थे, अभी बजे हैं 9 और चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। थोड़ी दूर आते हैं, अराउंड से 300 मीटर के आसपास, तो आपको टॉयलेट मिल जाएंगे। तो आप लोगों को ठंडा पानी शिकंजी पीना है तो करीबन 400 मीटर ऊपर आते हैं तो मिल जाएगा। वैसे अभी धीरे धीरे स्टॉल्स लग रहे हैं, फिर आप जैसे जैसे टाइम जाएगा, पब्लिक बढ़ेगी, तो और भी स्टॉल्स लग जाएंगे। फिर एक एक्साइटमेंट भरा ब्लॉग, और इसी ब्लॉग के साथ मज़ेदार दृश्य, हरे भरे पेड़ तो भी यहाँ पर दिख रहे हैं। आगे क्या है, आगे चल के देखते हैं। अच्छा, और एक चीज़ बता दूँ, स्टार्ट में आप ट्रैक कर सकते हो, इनकेस अगर आपको ऐसे लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, आप घोड़े खच्चर ले सकते हो। लेकिन एक और बात बताऊँ, ट्रैकिंग का एक उसूल होता है, स्टार्ट जब करते हैं तब थोड़ा सा आपको लगता है कि आपको हार्ट बीट्स ज़्यादा हो गई है, आप नहीं कर पाओगे, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। आप थोड़ा शुरू कीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए, हड़बड़ाइए मत। और यहाँ देखिए, खड़ी चढ़ाई है, कृपया धीरे चले, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें घबराना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, ये चाय नहीं, अभी आ जाएगा फिर आगे 4 किलोमीटर के बाद। घास काट कर औरतें लेकर के आती हैं ऊपर बहुत चोटी पर से, और जितना बोझा वो उठाती है, मैंने खुद एक बार ट्राई किया था। अगर आप मेरा त्रिजुगी नारायण वाला ब्लॉग देखोगे ना, तब पता चलेगा। मैंने बहुत वज़न उठाया था, लेकिन वज़न बहुत उठता है, एंड कुडोज टू दिस लेडीज़ जो इतना वज़न उठा करके नीचे आती है। कहते हैं ब्यूटी इज़ इन द आइज़ ऑफ बीहोल्डर, बट ये प्रकृति की ब्यूटी को बीहोल्डर की ज़रूरत नहीं है। वाहिगुरु।
किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर की चढ़ाई हम कर चुके हैं। मुझे तो एहसास नहीं हुआ ऐसे, मुझे लगा 1 किलोमीटर हुआ होगा। अभी और 8 किलोमीटर की दूरी बाकी है, तो कुल 10 किलोमीटर हम तय करेंगे। So good. हम लोग 4 किलोमीटर के आसपास पहुंच ही चुके हैं। उसके बाद आपको नीचे है डाउनवर्ड, डाउन हिल आपको करना है। तो डाउन हिल इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग व्हेन यू कम इन द माउंटेन। तब हमारा ये है पहला पड़ाव जंगल चट्टी। जिस तरीके से हम लोगों का पहला पड़ाव केदारनाथ धाम में जंगल चट्टी था, वैसे यहीं पर है। देखिए वैली ऑफ फ्लावर्स, 12 किलोमीटर। आलू पराठे क्या क्या मिलेगा भैया? आलू पराठे, मैगी नूडल है। अच्छा, कैसे दिए आलू पराठे? सस्ते हैं, 50 रुपये। अरे वाह, सस्ते ही है। और मैगी? मैगी भी 50। चाय? चाय 20। कॉफी? कॉफी 30। जंगल चट्टी की चाय पीने का मज़ा कुछ अलग होता है, और बैंड बाजे वालों के साथ पीने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमारे साथ हैं पाजी, आपका नाम? सतनाम सिंह है जी। सतनाम सिंह जी है, आप लोगों ने तो देखा ही होगा उनको जब बैंड में इतने शान से एकदम हाइट बॉडी, और जब चला रहे थे उसको क्या बोलते हैं जो आपके हाथ में? स्टिक। अच्छा, स्टिक चला रहे थे। ओके, अभी तक तो हम लोग 1 किलोमीटर की स्पीड हमारी 45 मिनट की है। लेट्स सी, चलते जाइए, खाते जाइए, एनर्जी को लूज मत कीजिए, डिहाइड्रेट भी मत होना। इससे याद मुझे आया कि मुझे भी पानी पीना है। ओके, तो एक था अराउंड 300-400 मीटर पर ही एक टॉयलेट, यहाँ पर दूसरा टॉयलेट है, बाथ भी है। ओके, और ये है 3 किलोमीटर पे, तो जंगल चट्टी पार करते हैं उसके बाद आएगा। ये सारे फल मिले तो खा मत लीजिएगा, अच्छा अनलेस एंड अंटिल आप लोकल को पूछे नहीं, टच भी करना थोड़ा ये होता है। मैंने थोड़ा रिस्क लिया था, कुछ रास्ते जो ख़राब हो चुके हैं उसकी मरम्मत हो रही है। अच्छा, मतलब 12 नहीं बजे, अभी तो 11 बजे हैं। वाओ, एंड यहाँ पे देखो यार, बहुत खूबसूरत खूबसूरत सा जो है ना नज़ारा है, मतलब इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आप ट्रैक कर रहे हो, सामने आपको बर्फीले पहाड़ छोटी दिख रही है, नीचे से नदी बह रही है, और इतना क्लीन और साफ पानी है, एकदम पवित्र डिवाइन। रोडोडेंड्रोंस तो आप जानते ही होंगे, हम अभी उसी का शरबत पी रहे हैं, और यहाँ पर इसे ब्रांस कहते हैं। वाह, बेसिकली ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, और हाई एल्टीट्यूड में देयर इज नथिंग बेटर देन दिस। चीयर्स। जब आपदा आई थी ना, तो नील गंगा और लक्ष्मण गंगा ये दोनों मिलकर एक झील बन गया था यहाँ पर, और यहीं पर संगम होता है, और इसे ही कहते हैं लक्ष्मण गंगा। जब हम चलते हैं ना, तो हमारे साथ ऐसे लगता है कि ये सारे पेड़ पौधे, ये हरियाली, ये पहाड़, ये छोटी छोटी जो चहचहाते हुए पक्षियों की आवाज़ें, और जो कीड़े मकोड़े रेंगते हुए जो हमें दिखाई देते हैं, और उसके साथ जो ये महक होती है, और एकदम दमकती हुई खुशबू, पता नहीं चलता किस चीज़ की है, लेकिन होती एक उस एहसास की है कि भाई आगे चलो, आगे कुछ और सुहाना होने वाला है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने आधे से ज़्यादा पड़ाव पार कर लिया है, और अब थोड़ी सी चढ़ाई अब यहाँ से है, और इस जगह को कहते हैं भ्यूंडार वैली, जहाँ पर
नील गंगा और लक्ष्मण गंगा इन दोनों का संगम होता है। और देखिए पहाड़ की रंगत। हंसते मुस्कुराते हुए ट्रैक में मुलाकात हो गई और पता चला कि 2-3 साल से ये अपने वीडियो देख रहे हैं। अभी जस्ट इन्होंने मुझे पूछा कि आपका हीमोग्लोबिन ठीक है ना। हम लोग नाश्ता करके निकले थे इसलिए एनर्जी बरकरार थी, लेकिन बीच बीच में यू कैन हैव ग्लूकॉन डी द बेस्ट थिंग। और अगर बीच में रोडोडेंड्रम्स वाला अगर जो आपको शरबत मिल जाए तो वो तो बिल्कुल पीना, दैट इज रियली गुड फॉर हार्ट। अब चढ़ाई है थोड़ी, लेकिन देखते हैं आगे चलते, मुझे ऐसे बहुत लग नहीं रहा है। बारिश होना शुरू हो गई है, मौसम तो यहाँ पे कभी भी चेंज होता है और नॉर्मली 1:30-2 बजे के आसपास तो बिल्कुल होता है। हमने रेनकोट डाल ली है, कैमरा भी अंदर जाएगा। ये देखिए किसी ने पिया और बॉटल यहीं पे रख दी। मैं सारे रैपर्स मेरे डस्टबिन है ये इसमें डाल रही हूँ और लोग यहाँ पर फेंक दे रहे हैं। 1.5 किलोमीटर की हमने चढ़ाई की, स्टीप स्लोप था और अपवर्ड्स जर्नी थी। और 1.5 किलोमीटर के बाद देखिए थोड़ा नीचे नीचे। इतना खूबसूरत ट्रैक है और ट्रैकर लोग जो है अभी भी इसको अवॉइड कर रहे हैं। हम लोग एलिया फ्लावर के लिए गए थे। अच्छा अच्छा तो वो बंद है। हाँ एक दिन में तो जो बोले सोनिया। कि कई लोगों ने रेनकोट्स नहीं लिए हुए हैं तो मैंने लाइव में बेसिकली बताया था शायद, लेकिन अगर नहीं बताया तो आई एम सो सॉरी। रेनकोट इज मस्ट, सेकंड इज वार्म क्लोथ्स आर आल्सो मस्ट। नीचे से आते हैं आप टी शर्ट में आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्लाइमेट क्या है। वेदर कंडीशंस यहाँ पर कभी भी चेंज हो सकती है। मार्केट में भी रेनकोट्स मिलते हैं, वहाँ से भी कैरी कर लीजिएगा और अपने पिट्ठू को इन्फॉर्म कीजिएगा कि वो प्लास्टिक से सारा सामान भी रैप करे। सो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, इवन जो घोड़े पे जाते हैं उनको भी। घनघोर बारिश चल रही है, मौसम भी एकदम रवानगी पर है अपने, और मैं कॉफ़ी के साथ थोड़ा मज़ा ले रही हूँ। गंगरिया और उसके पहले यहीं पर 700 मीटर्स के पहले आता है कांजरिया हेलीपैड, तो यहीं से ही हेलीकॉप्टर की सेवा मिलेगी और टू एंड फ्रो हो सकता है, लेकिन आज के दिन में नहीं, कल से शायद शुरू होगी। कश्मीर के बाद दूसरी जगह मुझे ये चीज़ देखने को मिली है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। अत्रैव नूनम अत्रैव स्वर्गादपि क्रियसी अमिनस्तो अमिनस्तो अमिनस्तो। वो तो है, स्वर्ग तो है, जन्नत तो है, ब्यूटीफुल तो है। बारिश बहुत तेज शुरू हो चुकी है और हम लोगों के चैलेंजेस बढ़ गए हैं। होटल हम लोगों ने बुक नहीं किया है और जो लोग घोड़े से आगे गए हैं ऑफकोर्स उन लोगों ने पहले होटल बुक कर लिया होगा, और जो पैदल चलने वाले हैं और थोड़े से स्लो रह गए हैं उनके लिए आज मुश्किल होने वाली है। ये आ गए हम गुरुद्वारा में और यहाँ पे चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे स्टे की फैसिलिटी है। आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं, अंदर जाके देखूंगी। यहाँ पे शायद कुछ मेडिकल सेवा है। दूध ले लो वाहेगुरु जी, दूध ले लो। गोविंद धाम में गुरुद्वारे में आए और यहाँ पर आकर के लंगर ना छके तो मज़ा नहीं आए। यहाँ गुरुद्वारे में आपको स्टे फैसिलिटी डॉर्मेट्री में भी मिल जाएगी और आपको फैमिली रूम भी मिल जाएगा, और यहाँ पे निशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्पेंसरी भी है यहाँ पर। तो कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो डिस्पेंसरी में भी आप विज़िट कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे देखिए कितने सारे रूम्स हैं। हाँ, लेकिन ये सारे रूम्स जो हैं वो विदाउट टॉयलेट है, आपको टॉयलेट के लिए बाहर जाना होगा।
और ये हॉल है और हॉल में सारे बंक बेड्स हैं। अभी सब लोग सो रहे हैं। अभी हम लोग गीले हो चुके थे और इस वजह से मैं दिखा नहीं पाई और बारिश भी हो रही थी, तो हम लोग इस होटल में रुके हुए हैं, श्री नंदा लोकपाल पैलेस। ये होटल आइडियली मुझे ठीक लगा, इसमें अटैच टॉयलेट्स हैं, गर्म पानी ये लोग अलग से देते हैं, गीजर नहीं है, इसमें रेस्टोरेंट भी है। और हमारा प्लान था गुरुद्वारे में रहने का, लेकिन हमें किसी ने कहा कि वहाँ पे अटैच टॉयलेट्स नहीं होते, और दूसरा थोड़ा सा हमें चार्जिंग और इन सारी चीज़ों का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता, तो इसीलिए। लेकिन हाँ, लाइट नहीं होती है यहाँ पे भी, कल से बोल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल डे तो कल से शुरू होगा 22 मई 2022, तो कल से कह रहे हैं कि सुविधाएं बढ़ जाएंगी, लाइट्स होंगी, इवन नेटवर्क भी ठीक होगा, जस्ट लाइक केदारनाथ धाम। पहले दिन तो था नहीं, फिर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन वहाँ पर ठीक हो गया, जैकेट गीला हो गया था, तो बस मैंने वहाँ पर जो अवन होता है, क्या बोलते हैं उसको, तंदूर, और तंदूर में मैंने अपना जैकेट ठीक किया, थोड़ा सा बर्न भी हो गया शायद। हाँ, आती हूँ। तो यहाँ पर आइडियली अगर मैं कंपेयर करूँ केदारनाथ धाम से यहाँ पे, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स काफ़ी सारी डिसेंट है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज वैशाली अगेन एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन टू एक्सट्रीम रोड्स। तो अभी हम लोग हमारे श्री नंदा लोकपाल पैलेस होटल से हम अभी चेकआउट तो वैसे नहीं किए, चेकआउट टाइम 12 बजे का है, लेकिन हमने सामान इकट्ठा करके उनको दे दिया है, हम ज़्यादा सामान लेके नहीं जा रहे। तो गंगेरिया से हम लोगों को हेमकुंड साहब जाने के लिए 6 किलोमीटर का रास्ता तय करना है। यहाँ के लोकल तो 3 घंटे में तय करते, अभी देखते हैं मैं कितने देर में तय करती हूँ, बेबी स्टेप में। तो चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी सुबह होने जा रही है, 4 बजे हम लोग उठ गए थे, थोड़ा सा मैंने मिटिया दिया था, मैंने बोला थोड़ा सा उजाला होता है तो आप लोगों को कुछ दिखा भी पाऊँगी। तो अभी बजे हैं 4:45 और हम निकल चुके हैं। ये सारे जो देख रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे, जस्ट आप जैसे ही एंटर करते हैं, पहला होटल हम लोग जिसमें रहे वो है, उसके सामने गढ़वाल मंडल के कॉटेजेस हैं। ये पोनी का कितना चार्ज है ऊपर तक जाने का, हेमकुंड साहब तक? हाँ, घोड़े का 1900 लेते हैं, आता जाना कि सिर्फ जाना? जाना 2500। रात भर में साज सजावट हो गई और जत्था गुरुद्वारे से निकलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब अगर आप गंगेरिया आते हैं तो गंगेरिया में आप लोगों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गुरुद्वारे में तो बहुत सारे रूम्स हैं ही, इसके अलावा होटल्स भी बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर अकोमोडेशन आपको मिल जाता है। मैंने जो पूछा था तो 1200 से लेके 1500 2000 तक में आपको मिल जाएगा। हेमकुंड साहब की ओर जाते हैं तो हार्डली मुझे लगता है 200 मीटर भी नहीं, थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो आपको वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए एक रास्ता लेफ्ट की ओर जाता है, और 3 किलोमीटर का सिर्फ डिस्टेंस है जो आप कवर करते हैं। लेकिन अगर ये देखना है तो आपको आना चाहिए अगस्त सितंबर। अभी 500 मीटर हम ऊपर आए हैं, एकदम स्टीप क्लाइंबिंग है, लेकिन जब आप चढ़ते हैं आसपास बर्फीले पहाड़ देखते हैं, हरियाली भी है, और यहाँ पे ये वाटरफॉल और ग्लेशियर नीचे, बहुत ही शीतल ठंड है, फ्रीजिंग भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन बेबी स्टेप लेकर के आएंगे तो दिक्कत नहीं होती। वाहेगुरु बाबा जी, जब मैं कंचनजंगा का ट्रैक किया था और वो पहली सूरज की किरण देखने के लिए हम लोग 5:15 बजे पहुंच गए थे, और रात के 1 बजे से ट्रैकिंग शुरू किया था। लुक एट दिस ग्लेशियर्स, कितना गोल्डन खूबसूरत दिख रहा है। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, शब्द का जाप करना और तो नहीं तो ध्यान रखना है, जोर से जाप करो। पहला पड़ाव अभी सिर्फ 1.25 किलोमीटर हमने तय किया है, और यहाँ पर एक ढाबा है जहाँ पर मैगी मिलती है 80 रुपए की, और चाय, चाय कितने की है भैया? 30 की। हाँ।
इनको अभी बेसिकली थोड़ा सा एल्टीट्यूड सिकनेस हो रहा है। ऑल्दो स्टीप स्लोप है, दिक्कत भी होती है, कुछ लोगों को नौशिया होता है, हम देखते हुए आए। और लेकिन अब रास्तों पे थोड़ी थोड़ी सी बर्फ पेड़ों पे दिख रही है, अच्छा लग रहा है। और यहाँ से मुझे व्यू दिखाई दे रहा है कि हमें कहाँ जाना है, बस वहीं पे है गुरुद्वारा। यहाँ से तो लगता है कि बहुत दूर है, लेकिन कहते हैं बस और 2 किलोमीटर है। यूट्यूब पालकी फॉर हाउ मच? 15,000 फ्रॉम ओके गंगरिया से। बच्चे के साथ आसान रहता है ना। अच्छा अच्छा, कितने साल के हो आप? 69। ओके, साइकिल पे आते हैं हम नखलऊ के पास से सीतापुर। अच्छा, साइकिल पीछे खड़ा है। ओहो, पूरा डॉन। आप देख रहे हो कहाँ कहाँ, तो हमने सोचा कि चलो आलू पराठे हो जाए। 1 किलोमीटर बस। एक्सट्रीम रोड मिल रहे हैं, एक्सट्रीम राइडर्स, राइडर्स से, तो आप बाइक राइड करते हैं। सुना, अभी जो आलू पराठा खाया यहाँ पर वो 80 रुपीज़ का एक पीस था। फिर हमारा शुरू होता है ग्लेशियर से लबालब रोड का। सो नाउ वी आर इन टू रियल एक्सट्रीम रोड्स। तो अभी तो इस तरफ है, काफ़ी हाइट पे है ग्लेशियर, और साइड में चलते जाएंगे हो सकता है हमारे दोनों तरफ बर्फ ही बर्फ हो और हम उस बीच से पार हो रहे हैं। सीढ़ियों का रास्ता है, आई थिंक चीज़ नहीं करना चाहिए रास्ते के बारे में, मुझे सांस की नहीं लगती। किलोमीटर कवर करके हेमकुंड साहिब पहुंच गए। 2 दिन की चढ़ाई थी, आज की चढ़ाई 6 किलोमीटर तो लग नहीं रही थी, मुझे लगता है एटलीस्ट होनी चाहिए 8 to 9 किलोमीटर। पर खैर, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी। स्वागत है श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में। इतना खूबसूरत लग रहा है, 15,000 फीट के हाइट पर है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के मैनेजर से, और आपका नाम क्या हुआ? गुरु नाम सिंह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उन्होंने 10वां ग्रंथ एक ग्रंथ लिखा है, उसके अंदर जितने भी अभी तक सृष्टि के अंदर देवी देवता आए हैं, जितने भी अवतार आए हैं, पीर पैगंबर आए, सबके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ के बारे में उन्होंने 10वें ग्रंथ के अंदर अंकित है, हेमकुंट पर्वत है जहाँ सपत श्रृंग शोभित है तहाँ, हेमकुंट तह नाम कहावा, पंड राज जह जोग कमावा, तह हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल काल का अराधी। इसका अर्थ है कि हमने जहाँ पे अपने पूर्वले जन्म में बैठ के तपस्या की है, वहाँ बर्फ का एक बहुत बड़ा कुंड है, हेम बर्फ होता है, कुंड होता है, हेम कुंड पर्वत है जहाँ 7 चोटियों से घिरा हुआ एक बर्फ का कुंड है। दूसरा उन्होंने बताया कि वहाँ पर बैठ के हमने बहुत लंबा समा तपस्या की है। साथ में ये भी बताया कि उसी इलाके में पांडवों के जो बड़े बड़े थे पांडु राजा,
उन्होंने भी यहाँ पे योग साधना की है। मैं अपना सुत तोहे निवाजा पंथ प्रचुर कर बेको साजा, ऐसा लिखा है कि अकाल पुरुष ने हमको यहाँ से तपस्या करते करते हुए बुलाया और कहा मैं अपना सुत, सुत कहते हैं बेटे, कि मैं अपना तुम्हें बेटे का अहदा देकर के कलयुग में भेज रहा हूँ। महाराज बोल रहे हैं कि मेरा यहाँ आने को कोई मन नहीं कर रहा था, मेरी तो जो सूरत थी, सुरति थी, वृत्ति थी, वो उनके चरणों में लगी हुई थी। तब उनके कहने से गुरु महाराज मान गए और कलयुग में गुरु तेग बहादुर बादशाह के यहाँ पटना में बिहार जन्म लिया। उनका नाम गोविंद राय रखा गया। उसके बाद उन्होंने अमृत संचार करके, अमृत छक करके वो गुरु गोविंद सिंह बने। यहाँ की उनके पूर्वले जन्म की ये कथा है जो उन्होंने दसम ग्रंथ में लिखी हुई है। तो आप जब श्री हेमकुंड साहिब आते हैं तो आप इसी कुंड में जो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर स्नान कर सकते हैं, लेकिन ये जो पोर्शन है वो जेंट्स के लिए है और वहाँ वो चेंजिंग कर सकते हैं ओपन में। लेडीज़ के लिए वहाँ कुछ सेक्शंस दिए गए हैं, तो आप वहाँ जा कर के लेडीज़ भी स्नान करके चेंज कर सकती हैं। यहाँ पर है लक्ष्मण मंदिर, कहते हैं लक्ष्मण जी के पदछाप यहाँ पर हैं। आइए देखते हैं। प्रसाद खा के ही जाना होता है। भूख भी लगी थी, कब से शूट ही कर रहे थे, ड्रोन भी उन्होंने ले लिया था, फिर उनको पता चला हम लोग क्या काम करते हैं, कोई बात नहीं, बोले बेटा और शूट कर लो। बोले सो निहाल।